हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण कॉमेडी रॉल्फ रॉयस्टर डॉस्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसको राइट किया है निकोलस उडॉल। निकोलस उडॉल निकोलस उडॉल वाज एन इंग्लिश प्ले राइट एंड स्कूल मास्टर। निकोलस उडॉल एक इंग्लिश ड्रामेटिस्ट एवं स्कूल मास्टर थे। ही इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट कॉमेडी रिटेन इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में पहली कॉमेडी लिखे जाने का श्रेय निकोलस उडॉल को जाता है। अब आइए रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को समझते हैं। रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर इज अ कॉमिक प्ले बाई निकोलस उडॉल। इट इज जनरली रिगार्डेड एज द फर्स्ट कॉमेडी टू बी रिटेन इन इंग्लिश लैंग्वेज। इट इज रिटेन इन अबाउट 1552 व्हेन उडॉल वाज स्कूल मास्टर इन लंदन। अर्थात रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर निकोलस उडॉल के द्वारा लिखा जाने वाला कॉमिक प्ले है। यह इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे जाने वाला पहला कॉमेडी है। यह 1552 ईस्वी में लिखा गया था। यह 1552 ईस्वी के आसपास लिखा गया था, जब निकोलस उडॉल लंदन में एक स्कूल मास्टर थे। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि यह कॉमेडी क्वीन मैरी के शासन काल में लिखी गई है। द वर्क वॉज नॉट पब्लिश्ड अंटिल 1567। अर्थात यह वर्क 1567 से पहले पब्लिश्ड नहीं हो पाया था। आइए अब इस कॉमेडी की स्टोरी और कैरेक्टर को देखते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, गुडलक एक्सेट्रा। द प्ले इज रिटेन इन 5 एक्ट्स। यह प्ले 5 एक्ट्स में लिखा गया है। द प्लॉट ऑफ द प्ले सेंटर्स ऑन अ रिच वीडो क्रिस्टियन कस्टेन हु इज बेट्रोथ्ड टू गुडलक हु इज अ मर्चेंट। अर्थात यह प्ले 5 एक्ट में लिखा गया और इसका जो सेंट्रल फिगर है वह एक विधवा क्रिस्टियन कॉस्टेंस का माना जाता है। रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर इज अ इनकरेज्ड थ्रो आउट बाई अ कॉन मैन क्रिकेस्टर फिगर। आइए अब इस प्ले की समरी और कैरेक्टर को समझते हैं। इस प्ले में जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर है रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर है और गुडलक है और क्रिस्टियन कॉस्टेंस है। और इस स्टोरी में हैप्पी एंडिंग को दिखाया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह प्ले निकोलस उडॉल के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक स्कूल मास्टर थे, और स्कूल मास्टर होने के कारण इस प्ले को स्कूल के बच्चों के द्वारा स्टेज पर परफॉर्म करवाया जाता है। एक बार फिर से एट ए ग्लैंस समरी को लेते हैं कि यह प्ले निकोलस उडॉल के द्वारा लिखा गया है, जो कि 5 एक्ट्स में है। इसमें एक रिच वीडो है जिसका नाम क्रिस्टियन कॉस्टेंस है और जिसका मंगेतर
गुडलक था जो कि व्यापारी था, और लास्ट में हैप्पी एंडिंग को दिखाया गया है। और इस प्ले को स्कूल के बच्चों के द्वारा स्टेज पे परफॉर्म करवाया जाता है।